Assalamualaikum. जी तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक रिफॉर्मिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने क्रैकिंग, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हाट फॉसिलिटेट्स का डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक जो है वो हमारा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर दफा हमारे बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स के अंदर आ जाता है। तो इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करके जाना है। तो अगर हम लोग देखते हैं री का मतलब होता है बेटा अगेन, दोबारा, फॉर्म मतलब बनाना, री का मतलब दोबारा, फॉर्म मतलब बनाना, फॉर्मिंग हम लोग कहते हैं रीफॉर्मिंग, दोबारा बनाने का प्रोसेस रिफॉर्मिंग कहलाता है। अब दोबारा बनाने का प्रोसेस, किस चीज को बनाना है और कैसे बनाना है वो यहाँ पे चीज आती है। अगर हम लोगों ने प्रीवियसली जो क्रैकिंग वाला टॉपिक डिस्कस किया था उसमें भी ये चीज डिस्कस की थी, गैसोलीन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल नहीं हो सकती फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। अब क्रैकिंग के जरिए से गैसोलीन ले लिया हम लोगों ने, डीजल ले लिया, बाकी प्रोडक्ट्स जो हम लोग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो ले लिए, लेकिन उनको जब हम लोग लेके आते हैं कंबशन करवाने के लिए, जब कंबशन होगी तो एनर्जी खारिज होती है, वही एनर्जी हमारा इंजन यूज करता है और बाइक या कोई भी गाड़ी रन करती है। तो अब हम लोगों ने बेटा रिफॉर्मिंग देखनी है, तो रिफॉर्मिंग क्या है या क्यों जरूरी है वो हम लोग सारे का सारा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रिफॉर्मिंग सबसे पहले होती क्या है, रिफॉर्मिंग होती है दी थर्मल कन्वर्जन, थर्मल मतलब हीट के जरिए से कन्वर्जन मुंतकल करना है ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन। ये हम लोगों ने बेटा 10th क्लास की केमिस्ट्री में डिस्कस किया था, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन मैक्सिमम जो होगा ना वो दो कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और ब्रांच चेन में ये होगा कि उनके साइडों के ऊपर भी कुछ कार्बन की मकदारें मौजूद होती है। तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पर जो होगा वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो होंगे ना उन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है by thermal conversion heat के जरिए से in the absence of oxygen। ये हम लोग पिछले दो तीन टॉपिक्स में भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन देंगे तो कंबशन हो जाएगी, और कंबशन हो जाएगी तो वो चीज बर्न होके एग्जॉस्ट के थ्रू आउट हो जाएगी और हमें हमारे वाइट प्रोडक्ट्स हासिल नहीं होते। इसलिए हम लोगों ने ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करवाना है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट, यानी कि कोई मुनासिब कैटलिस्ट देना है जो कि ये सारे का सारा हमारा काम बुनियादी तौर पर करवा सके। तो बेटा इसके अंदर हम लोगों ने जो स्ट्रेट चेन है, लास्ट वाला टॉपिक अगर आप लोग देखें तो उसमें हम लोगों ने किया था थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैक में हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन बढ़ती है, वो प्रोडक्ट जो लॉन्ग चेन है वो शॉर्ट चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बुनियादी तौर पर बॉन्डिंग टूटती है थर्मल के जरिए से। अब हम लोगों ने हीट दी बॉन्डिंग टूटी, स्ट्रेट चेन थी बॉन्डिंग टूटी, अब क्या है उसको ब्रांच में कन्वर्ट करना है, वो स्ट्रेट उतरी उतर कर ब्रांच में चली। अब स्ट्रेट को ब्रांच में कन्वर्ट क्यों करना है, हम लोग यहां पे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाई, क्यों स्ट्रेट टू ब्रांच। अब बेटा ये स्पेलिंग आप लोगों ने देख लेने, स्ट्रेट को ब्रांच में क्यों कन्वर्ट करना है, क्या जरूरत है इसकी। अब स्ट्रेट चेन है हाइड्रोकार्बन, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था, जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ज्यादा, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं कम, थोड़ी खाली जगह होने की बुनियाद के ऊपर उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाती हैं ज्यादा, जब ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाएंगी तो उन्हें बर्न करना मुश्किल हो जाएगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर ब्रांच चेन ले लें, ब्रांच चेन में क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी हो जाएंगी, रीजन क्या है कि उनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस खाली जगह जनरेट हो जाएंगी, वो जब खाली जगह जनरेट हो जाएंगी, जैसे यही मॉलिक्यूल हम लोग देख लें ये बेटा खाली जगह पैदा हो जाती है, जब उनमें खाली जगह पैदा होंगी उन खाली जगहों के पैदा होने की बुनियाद के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाएंगी कम, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी तो उन्हें बर्न करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, वो इजीली बर्न करेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे। यानी कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ना वो लेस वोलेटाइल होते हैं, थोड़े वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, जो हमारे होते हैं ना ब्रांच चेन वो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, रीजन क्या है बॉन्डिंग कमजोर है। तो यहां पर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल ली हुई है
बेटा ये है 8 कार्बन वाली एन ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये जो है वो ब्रांच है, इसको हम लोग कहते हैं आइसो ऑक्टेन, यानी कि स्ट्रेट चेन को हम लोगों ने ब्रांच में कन्वर्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट, टेम्परेचर दिया और कैटलिस्ट दिया ताकि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो सके और हमारे जो इंजन होते हैं ना उनमें ये बर्न हो सके। इसी को बर्न करवाने के लिए ये जो नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है ना, इन्हीं नंबर ऑफ ब्रांचेस की बुनियाद के ऊपर हमारे पास होता है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर हम लोग कहते हैं बेटा नंबर ऑफ ब्रांचेस को। सिंपल लफ्जों में अगर देखोगे तो जो भी ब्रांचेस की मिकदार होगी किसी भी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट के अंदर उसको ऑक्टेन नंबर का नाम देते हैं। अब हम लोगों को ये पता है पेट्रोल जो होता है वो मिक्सचर होता है, उसमें बहुत ज्यादा से कार्बन के कंटेंट होते हैं, कार्बन 4 भी 6 भी 7 भी 8 भी सो हम होते हैं। अब ये जो कार्बन के कंटेंट होते हैं ऑक्टेन नंबर को हम लोग चेक करते हैं, या ऑक्टेन नंबर जो बोलते हैं वो होगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से परसेंटेज किस चीज की, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के, कितनी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के ये कंपाउंड मौजूद है। लेट्स सपोज 100 कंपाउंड हमारे पास टोटल है, 100 में से अगर 60 कंपाउंड जो है ना वो बेटा हमारे पास ब्रांच है, जो 40 है वो नहीं है, तो वो जो 60 कंपाउंड हमारे पास है ब्रांच वाले वो उसका ऑक्टेन नंबर भी 60 बनाएगा। यानी कि ब्रांच के अंदर हम जो ऑक्टेन नंबर होगा इसमें हम लोग नंबर ऑफ ब्रांचेस उसके वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ब्रांच वाले ज्यादा ऑक्युपाई कर रहे होंगे, जो अनब्रांच वाले होंगे वो कम ऑक्युपाई कर रहे होंगे। इसी बुनियाद के ऊपर जो ब्रांच वाले होंगे वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने की बुनियाद के ऊपर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस का और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी लो रखते हैं, आसानी से बर्न किया जा सकता है। इसका बेसिक मकसद ये होता है बेटा कि हम लोग ना अपने इंजन के अंदर जो बर्निंग करवानी है वो आसानी से करवा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा सारे कंट्रीज के अंदर गैसोलीन को एज ए फ्यूल ऑयल मोटर ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा ये किया है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंजन, इंजन काम कैसे करता है, इंजन के काम करने के लिए सबसे पहले होगा इनटेक ऑफ फ्यूल, फ्यूल को इनटेक करना। फ्यूल क्या है, एनर्जी का सोर्स है, वो कुछ भी हो सकता है, वो डीजल भी हो सकता है, वो पेट्रोल भी हो सकता है, वो हमारे पास गैस सीएनजी के फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, उसको इनटेक कर लिया। इनटेक के बाद क्या करना है, मिक्सिंग विद एयर, एयर के साथ मिक्स करना है। अब एयर के साथ मिक्स करने के दो रीजंस होती है, पहली रीजन ये होती है ऑक्सीजन के बगैर कोई भी चीज बर्न नहीं कर सकती, क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है। और दूसरी चीज हम लोगों ने यहां पे ये करनी है एक्सपेंशन, फैलना। जब गैसेस ज्यादा होंगी, पहले था वो लिक्विड, अब गैसेस उसमें होंगी, तो गैसेस को हम लोगों ने बेटा वहां पे पढ़ा था थर्ड चैप्टर में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर, कि अगर गैसेस को कंप्रेस किया जाए जैसे ही उसको हम लोग छोड़ेंगे वो 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। एक स्प्रिंग है, दबाया छोड़ा, जब छोड़ेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करें, तो हमारे जो इंजन का पिस्टन होता है वो भी तो इसी बुनियाद के ऊपर ही चलता है, आगे पीछे आगे पीछे। वो आगे पीछे करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन किया जाता है, दबाया जाता है और फिर धकेला जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फैलाया जाता है। तो उसी के लिए हम लोग एयर के साथ मिक्स करते हैं ताकि बर्निंग भी आसान हो और एक्सपेंशन भी अच्छी हो, ताकि एफिशिएंसी इंजन की अच्छी हो सके बेटा। फिर कंप्रेशन है, कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, दबाना। अब दबाना है, दबाना क्यों है, ताकि उसका वॉल्यूम कम हो सके, पिस्टन वापस आ सके, जब वहां पर होगा एक्सपेंशन या बर्निंग होगी वो ब्रस्ट करे, ब्रस्ट करने की बुनियाद के ऊपर वो झटके के साथ उसके पिस्टन को आगे की तरफ धकेले, तो जब आगे की तरफ धकेलेगा हमारा जो मूवमेंट होगी इंजन की वो कंटिन्यू होगी और इंजन रन करना शुरू कर जाएगा। तो यहां पर कंप्रेशन इसीलिए जरूरी होता है ताकि हम लोग उसको अच्छे अंदाज में चला सके इंजन। बर्निंग, अब बर्निंग होगी, बर्निंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कंबशन बेसिकली आप लोग बोल सकते हो यहां पे, तो हम लोग ना इसके अंदर कंबशन भी कर सकते हैं। कंबशन होगी, उस कंबशन करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, स्पार्किंग की। स्पार्क, स्पार्क कौन करता है, स्पार्क उसके अंदर लगा हो प्लग,
मेटालिक परत होता है, जैसे हम माचिस की तीली को एक दूसरे के ऊपर बांधते हैं माचिस की डिबिया के ऊपर, तो बेटा वहां पर आग लगती है। तो इसी तरीके से जो प्लग लगा होता है वो स्पार्किंग करता है, उस स्पार्किंग के बुनियाद पर होती है कंबशन। अब वो जब कंबशन होगी तो एनर्जी खर्च होगी, एक्सपेंशन होगी, उसी एक्सपेंशन की बुनियाद के ऊपर ना वो जो उसका होगा हमारा इंजन, वो इंजन का पिस्टन वो मूव करेगा। जब बेटा वो मूव करेगा उसी मूव करने की बुनियाद के ऊपर ना आसानी से हमारे बाइक रन करेगी। फिर हो जाती है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट के अंदर क्या है, एग्जॉस्ट के अंदर जो भी रेजिड्यू होगा गैसेस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर्स और कुछ अदर अनबर्न्ड गैसेस, ना जली हुई गैसेस जो होंगी उनको बाहर का, ये चीजें बुनियादी तौर पर इसके अंदर। अगर हम लोग बुनियादी तौर पर फोर स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे ना, उनमें चार चीजें जो होती है, पहली चीज होती है इनटेक और मिक्सिंग इकट्ठी हो जाती है उनमें पहले नंबर पे। फिर उनके अंदर होती है बेटा दूसरे नंबर पे कंप्रेशन, तीसरे नंबर पर होती है एक्सपेंशन और बर्निंग इसके साथ ही हो जाती है। फिर एग्जॉस्ट, फोर स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक का मतलब चार स्टेप में, चार आदाद में, चार वहां पे हम कहते हैं चार अवामिल में होने वाला कोई भी काम वो फोर स्ट्रोक के अंदर आएगा। फोर स्ट्रोक इंजन में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरीके से चार। अब जब कंबशन होनी होती है, एक्सपेंशन होनी होती है, उस दौरान में हमारे जो पेट्रोल की क्वालिटी होती है ना वो रिक्वायर्ड होती है। अब वो कैसे, अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे जो बाइक्स वगैरह होती है ना वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है बर्निंग के दौरान में, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तब आवाज आ रही होती है हल्की फुल्की। अब वो क्या है, उस चीज को हम लोग नॉकिंग का नाम देते हैं। नॉकिंग क्या होती है, नॉकिंग होती है ए शार्प मेटालिक साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन इंजन बिफोर प्लग स्पार्क्स एंड इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। वो कैसे करेगा, बिकॉज इट बर्न्स पेट्रोल बिफोर एक्सपेंशन। अब बेटा है क्या नॉकिंग, क्या है शार्प मेटालिक साउंड, एक शार्प तेजी से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है इंजन के अंदर, जो प्लग है उसके स्पार्क प्रोड्यूस करने से पहले ही, जिसकी वजह से हमारे इंजन के अंदर मौजूद जो फ्यूल होता है वो बर्न हो जाता है। जब वो बर्न हो जाता है बिफोर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से पहले ही बर्न हो गया, तो जब एक्सपेंशन से पहले ही बर्न हो गया तो उसकी एनर्जी तो जाया होगी, वो एनर्जी कहां से गई, वो एग्जॉस्ट के थ्रू निकल जाएगी बाहर। जब वो बाहर निकल गई तो उसके बाहर निकलने की वजह से बेटा वो जो एक्सपेंशन होनी थी वो एक्सपेंशन नहीं हो पाई, पिस्टन के ऊपर फोर्स नहीं लगी, पिस्टन ने एक्सपेंशन नहीं की। जब पिस्टन ने एक्सपेंशन नहीं की तो उसके एक्सपेंशन ना करने की बुनियाद के ऊपर हमारा जो इंजन होगा ना वो वर्क नहीं कर सकेगा। जब इंजन वर्क नहीं कर सकेगा, एक्सपेंशन से पहले ही बर्निंग हो गई, उसकी वजह से हमारे जो इंजन होगी ना वो उसकी एफिशिएंसी को खराब कर देगा, उसकी मेटल्स को, उसके अंदर लगी हुई हर चीज को खराब कर देगा, जिसकी वजह से नॉकिंग जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हमारे इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है। ठीक है बेटा, ये चीज यहाँ पे आती है कि नॉकिंग होती है जब मेटालिक साउंड पर रिड्यूस होता है इंजन प्लग के स्पार्किंग करने से पहले ही, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद फ्यूल बर्न हो जाएगा। जब फ्यूल जल गया तो एक्सपेंशन हुई नहीं है, एक्सपेंशन होने से पहले फ्यूल बर्न हो गया, एक्सपेंशन हो और बर्निंग हो एक ही वक्त में, फिर वो एफिशिएंसी बेहतर करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर को बेहतर करते हैं।
अगर वो होगा लो क्वालिटी का पेट्रोल, लो क्वालिटी का फ्यूल, वो क्या करेगा बेटा, बिफोर स्पार्किंग, स्पार्किंग से पहले ही बर्न हो जाएगा। जब स्पार्किंग से पहले ही बर्न हो गया तो हमारे तो मकसद में इस्तेमाल ही हुआ, हमारा मकसद था हमारे इंजन को चलाना, इंजन तो चलेगा। तो बेटा वो क्या है, उस चीज को हम लोग नॉकिंग का नाम देंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारे पेट्रोल की क्वालिटी, सॉरी इंजन की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। इसीलिए हम लोग ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करते हैं ताकि स्पार्किंग से पहले ना वो बर्न हो, और उसके अलावा वो अच्छी एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड कर सके, इसलिए ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करते हैं। और जितना ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा उतनी ही उसकी बर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी, उतनी ही एफिशिएंसी उसकी बेहतर हो सके, ठीक है। इसके बाद बेटा इंप्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, ऑक्टेन नंबर को हम लोग दो तरीकों से इंप्रूव कर सकते हैं। पहले नंबर क्या होता है बेटा, बाय मिक्सिंग एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट को मिक्स करके, और दूसरा होता है बाय कन्वर्टिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। पहले नंबर में एंटी नॉकिंग को एक ऐसा एजेंट डालना है जो नॉकिंग ना होने दे, जो कि एक्सपेंशन से पहले या स्पार्किंग से पहले बर्निंग ना होने दे, वो डाल। अब वो क्या होता है, वो होता है बेटा हमारे पास यहां पे ना टेट्रा इथाइल लेड, TEL शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं टेट्रा इथाइल लेड। इसलिए हम लोग टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टेट्रा इथाइल लेड का ना यहाँ पे डिसएडवांटेज है। अब वो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग टेट्रा इथाइल लेड, वो ये है कि ये लेड है ना, वो जब एग्जॉस्ट में से रिमूव होगा तो ये हमारे एनवायरमेंट के अंदर ना पोल्यूशन का बाइस बनता है। अब वो पोल्यूशन कैसे, ये ना लेड ऑक्साइड बना देता है। अब ये जो लेड ऑक्साइड है ये कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन मतलब कैंसर काजिंग एजेंट है, ये सफोकेशन का बायस भी बनता है, कैंसर काज करता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इसको इनहेल कर ले तो उसके लिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का बायस बनेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का बायस बनेगा। इस वजह से हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट में टेट्रा इथाइल को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है बेटा। फिर दूसरा जो पॉइंट है, बाय कन्वर्टिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन, उसमें हम लोगों ने यही पढ़ लिया। अब स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की कमी हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके अलावा वहां पर यह भी होगा कि उनकी बॉइलिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं जिसके जरिए से ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव किया जाता है, और जैसे ही ऑक्टेन नंबर इंप्रूव होगा तो उसके बेनिफिट्स भी कुछ हमें मिल जाएंगे। बेनिफिट्स में क्या होंगे, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। इट रिड्यूसेस द नॉकिंग, नॉकिंग को कम कर देता है। उसके अलावा ये जो फ्यूल होता है वो तो मोर एफिशिएंट,
ज्यादा एफिशिएंसी वाला होता है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ज्यादा बाइक्स रन करती हैं, लेस पोल्यूशन काज करता है। पोल्यूशन जो होती है ना वो बेटा इसके जरिए से हमारी बहुत ही थोड़ी काज होती है। इसके अलावा जो इंजन की रनिंग होती है वो हम लोगों ने एफिशिएंसी देख लिया कि वो ज्यादा स्मूथली इंजन हमारा रन कर रहा होता है। यही बेहतर है कि हम लोग पेट्रोल को भी थोड़ी मिकदार में यूज करते हैं। अब बेटा हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी या बाहर फॉरेन कंट्रीज में एक होता है लो ऑक्टेन और एक होता है हाई ऑक्टेन पेट्रोल, मोस्टली गैसोलीन के अंदर यूज कर रहे हैं कॉमनली। अब वो जो लो ऑक्टेन होता है उसकी एक तो प्राइस लो है, जो हाई ऑक्टेन है उसकी प्राइस ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग उसको छोड़ के अपने बाइक्स के अंदर उसको डलवा लें या गाड़ियों में हम लोग उसको डलवा लें तो जो लो ऑक्टेन है अगर वो डलवाया हमारे बाइक की एफिशिएंसी 50 किलोमीटर 1 लीटर में, अगर हम लोग हाई ऑक्टेन वाला डलवाएंगे वहीं पर उसकी एफिशिएंसी बढ़ के हो जाएगी 60 किलोमीटर, मिनिमम 10 का फर्क हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम लोग बेटा उसको यूज करेंगे तो हमारे जो फिल्टर बारी बारी साफ करवाना होता है वो भी साफ नहीं करवाना पड़ेगा। उसके अलावा ये होगा जो एग्जॉस्ट के दौरान में अनबर्न्ड गैसेस निकल रही होती हैं वो भी कम निकले, पोल्यूशन भी कम होगी, हमारे बाइक्स की स्पीड भी ज्यादा होगी, गाड़ियों की स्पीड भी ज्यादा होगी, गाड़ियों की एनर्जी भी ज्यादा होगी। उसके अलावा वो ज्यादा लंबे अरसे तक बरकरार रख सकेंगे अपनी लाइफ को, ये हमारे ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करने के लिए होता है। ठीक है बेटा, होप सो सारा टॉपिक क्लियर हो गया। ये हमारा सारा एक पॉइंट था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है हमारे एनुअल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोगों ने अच्छे अंदाज में करना है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेवेंट तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह।